कामयाबी की कहानी संघर्षों से होकर गुजरती है, और आप अपने संघर्ष को किस रूप में लेते हैं, आप उससे कितने प्रेरित होते हैं, आपकी सफलता इसी के अनुसार तय होती है। कई बार होता है कि हाथ से इंसान को तोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हादसों से निकलकर इतिहास रच देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। और हमारे देश में भी ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जहां हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उनको बस नमन करने का मन करता है। आज एक ऐसे ब्रांड की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सिर्फ एक किसी ब्रांड के खड़ा होने की या स्थापित होने की कहानी नहीं है, वो एक पिता और पुत्री के रिश्ते की संवेदनशील गाथा है जिसे सुनकर आपका मन भर आता है। और साथ ही जिस तरह से उस एक कहानी में घटे हादसे से निकलकर कामयाबी की ऐसी गाथा रची गई, उसे देखकर आप गर्व कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरमा वॉशिंग पाउडर। इसका विज्ञापन हम सब ने देखा है, हमेशा टीवी पर अलग अलग अभिनेत्रियों को इस पे अभिनय करते हुए देखा है, लेकिन निरमा वॉशिंग पाउडर की ये जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे पिता की है जिन्होंने अपनी मृत बेटी को अमर रखने की चाहत के साथ, यानी वो शरीर से ना भी हो लेकिन वो अपने नाम के साथ या उनकी यादों के साथ इस तरह से फैल जाए कि वो हमेशा बची रहे। पिता की व्यथा के बीच से एक कामयाबी की जो कहानी निकली, आज हम उसे निरमा के नाम से जानते हैं। आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं निरमा के मालिक करसन भाई पटेल की। करसन भाई पटेल ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी बेटी को अपने दिलों में तो जिंदा रखा ही, साथ ही पूरी दुनिया में उनका नाम ऐसे फैलाया, एक ऐसे सपने के जरिए फैलाया जो आज बहुत से लोगों की जिंदगी का सहारा बन गया है। और ये शुरुआत जब इन्होंने की तो साइकिल में घर जा जाकर अपना वो उत्पाद यानी निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। आज करसन भाई पटेल का नाम देश के अरब पतियों में गिना जाता है। आज यह समूह देश भर में 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है, और कंपनी का टर्नओवर भी 70,000 करोड़ टन हो गया है। आज की कहानी निरमा के ब्रांड बनने की कहानी है। गुजरात के महसाणा गांव में जन्मे करसन भाई के पिता खोड़ीदास पटेल बेहद साधारण इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे करसन को रसायन शास्त्र में स्नातक करवाया, यानी करसन भाई पटेल ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद गुजरात के अन्य लोगों की तरह करसन भाई
पटेल भी अपना व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते थे। ऐसे में करसन भाई ने एक प्रयोगशाला में सहायक की नौकरी हासिल की। उसके बाद में उनको गुजरात सरकार के खनन एवं भू विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी किसी भी भारतीय परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती है। तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद करसन भाई जो है अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ अलग करना था। ये जो चाह थी उनके मन में दबी हुई थी। लेकिन इस बीच एक ऐसा हादसा घटा जिन्होंने करसन भाई पटेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया गया। करसन भाई पटेल की दुलारी बेटी एक हादसे में गुजर गई। इस घटना ने करसन भाई पटेल को अंदर से तोड़ दिया था। कोई भी आम इंसान होता तो शायद वो कभी कोई नई शुरुआत कर सके ऐसा सोच भी नहीं पाता। आज हम अवसाद की घटनाएं सुनते हैं, हम सुनते हैं कि बच्चों ने नंबर कमाने पर आत्महत्या कर ली या ब्रेकअप होने पर आत्महत्या कर ली। तो ऐसे युवाओं को आज ये कहानी जरूर सुननी चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर अवसाद में चले जाते हैं। ये कहानी उन्हें निश्चित रूप से प्रेरणा देगी। करसन भाई पटेल अपनी बेटी के निधन के बाद टूटे तो थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर नाम रोशन करे उनका। लेकिन इस बार एक पिता ने अपनी बेटी का नाम रोशन कर दिया, उसका नाम सारी दुनिया में फैला दिया। करसन भाई पटेल की बेटी का नाम था निरुपमा, जिसे सभी प्यार से निर्मा बुलाते थे। करसन भाई ने अपने इसी बेटी के नाम को जीवित रखने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की। साल था 1969 यानी 1969, और करसन भाई ने अपने घर के पीछे ही वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू कर दिया। विज्ञान में स्नातक थे तो करसन भाई के लिए ये इतना कठिन भी नहीं था। उन्होंने सोडा जो है उसके साथ कुछ रसायन मिलाए और पीले रंग के पाउडर के साथ उनका एक फॉर्मूला बन गया। वो चीज जो सोडा एश थी, यानी राख जिसको बोलते हैं संभवतः, उसमें उन्होंने वो रसायन मिलाया था। बनाना तो काफी नहीं है, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप अपने उत्पाद को बाजार तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे लोगों को बताएंगे। तो करसन भाई ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए साइकिल से घर घर जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया और वो बेचने लगे। धीरे धीरे उत्पाद की डिमांड, जो मांग थी उनके वॉशिंग पाउडर की, मांग बढ़ने लगी। तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी और अपना व्यवसाय एक साथ हो, ये बहुत कठिन था। जाहिर है ऐसी स्थिति में करसन भाई को जोखिम उठाना था, उन्होंने उठाया, सरकारी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया, और ये इतना आसान नहीं था। लेकिन ये चीज़ होती है विश्वास, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास ही आपके संघर्ष को ताकत देता है। ये आत्मविश्वास और आत्मबल ही है जो आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। आप परिस्थितियों के बारे में सोचिए, एक तरफ बेटी नहीं रही और दूसरी तरफ इन्होंने एक स्थापित करियर छोड़ा, सरकारी नौकरी छोड़ी और सिर्फ एक विश्वास के साथ कि वो अपने व्यवसाय में सफल हो सकते थे,
इतना भरोसा था खुद पे। और याद रखिए कि ये दौर जब करसन भाई ने शुरुआत की, ये वो दौर था जब देश में हिंदुस्तान लीवर या विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए जो सर्फ थे वो बाजार में बिकते थे और उस समय 13 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करते थे। जाहिर है कि मध्यम वर्गीय परिवार के बजट में नहीं था। ऐसे में लोग साधारण साबुनों से अपने कपड़े धोते थे, लेकिन इससे हाथ खराब होने का डर रहता था। ऐसी स्थिति में करसन भाई ने मात्र 3 रुपए किलो में अपना निरमा सर्फ बेचना शुरू किया। आप ध्यान दीजिए, एक तरफ कहां 13 रुपए प्रति किलो और कहां 3 रुपए प्रति किलो, जो कि विदेशी कंपनियों के सर्फ की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ता था। इतना ही नहीं, इसके साथ करसन भाई ने लोगों को आश्वस्त किया और गारंटी दी कि यदि कपड़े साफ नहीं हुए तो ये पैसे भी वो लोगों को वापस कर देंगे। जाहिर सी बात है, लोगों को अच्छा और सस्ता विकल्प मिला तो हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी नई चीज हो जो कि हमारी मुश्किलों को आसान करें। और निरमा की जो मांग थी इसी की वजह से बढ़ी और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। करसन भाई का व्यापार चल पड़ा। जब व्यापार चल पड़ा तो जाहिर है कि वे इसे केवल महसाणा तक नहीं सीमित रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी का नाम पूरी दुनिया में लिया जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने निरमा का विज्ञापन टीवी पर दिया और वो हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मध्यम वर्गीय परिवार की पहली पसंद बन गया। करसन भाई का उत्पाद यानी उनका वॉशिंग पाउडर जब टीवी के माध्यम से सबकी पसंद निरमा पूरे देश में छाया तो स्थानीय बाजारों में निरमा सर्फ खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। और ऐसी स्थिति में करसन भाई पटेल ने अपनाई एक ऐसी रणनीति जो कि उनकी व्यावसायिक बुद्धि की कुशलता की परिचायक है। बाजार पे कब्जा करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। होना तो ये चाहिए था कि बाजार में मांग बढ़ रही थी तो करसन भाई अपने उत्पाद की आपूर्ति बढ़ाते, लेकिन उन्होंने बाजार की रणनीति को समझते हुए या एक नई रणनीति अपनाते हुए अपने 90% स्टॉक वापस ले लिया। 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा के विज्ञापन देते थे और बाजार में सर्फ की मांग कर नहीं मिलता उनको। ऐसी स्थिति में हुआ कि ग्राहक निरमा मांगते निरमा मिलता नहीं, तो हुआ है कि देश भर में जितने भी थोक और खुदरा व्यापारी थे उन सभी ने करसन भाई से अनुरोध किया कि वे निरमा की आपूर्ति करें। तब जाकर निरमा बाजार में वापस आया और इस बार निरमा देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना और अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को इस ब्रांड ने पछाड़ दिया। निरुपमा यानी निरमा का नाम जो करसन भाई की बेटी थी सारी दुनिया में छा गया। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार करसन भाई पटेल की कुल संपत्ति $4.1 बिलियन है। और हम आपको ये बता दें कि निरमा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी विस्टास कॉर्प लिमिटेड के नाम से एक सीमेंट कंपनी है और दूसरे व्यापार में भी करसन भाई पटेल ने उनके समूह ने हाथ आजमाया। एक विश्वविद्यालय भी है और समूह जो है उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। यही है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। आर्थिक जगत, आर्थिक जो व्यवस्था है, हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो ब्रांड्स हैं, वो अपने आप में मिसाल हैं। क्योंकि कोई भी ब्रांड एक दिन में खड़ा नहीं होता,
कोई भी उद्योगपति, कोई भी उद्यमी एक दिन में सफल नहीं होता। उसके पीछे उनकी दशकों की मेहनत होती है, दशकों की तपस्या होती है। कई बार वो हारते हैं, कई बार वो पिछड़ते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, वो आगे चलते जाते हैं और एक दिन सफलता की बुलंदियों को छूते हैं, जो कि निश्चित रूप से प्रेरक बात है। ऐसे ही ब्रांड्स, ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों की कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। करसन भाई पटेल के जज्बे को, अपनी बेटी के प्रति उनके प्रेम को प्रणाम करते हुए आज से हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकें, इस बात की कोशिश हमेशा हमारी रहेगी। हम कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, अनुमति दीजिए। नमस्ते भारत।